What's up, YouTube universe? I have come in Manali. And I just checked in one hotel. The hotel name is Nandini Palace. And there is a restaurant nearby my hotel. Its name is Indian Flavors. So the main thing about this location where I am staying now, let me show you instead of explaining. Woohoo! My hotel is situated nearby this valley, this trees, mountains, cloud sky, and here I have come with these people, Divesh, Suraj and Danish. स्वप्निल और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक्सप्लोरर स्वैप। और आज मैं जा रहा हूँ हिमाचल के वीर गांव से सपनों के शहर मनाली में। इंट्रो वीडियो में आपने जैसे देख लिया होगा कि ये सफर कितना लाजवाब है। आगे बढ़ने से पहले नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर देना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरा बरोड वैली का लास्ट वीडियो काफी लोगों को पसंद आया क्योंकि मैंने उसमें कुछ नया ट्राई किया है। और अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जरूर देखना। बीर से मनाली तक का डिस्टेंस 154 किलोमीटर का है और हम एक ट्रैवलर से जा रहे हैं। बरोड वैली के वीडियो में जो रास्ता जोगिंदर नगर तक था उतना रास्ता इसमें भी है, इसलिए मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया है। जब मैं बीर गाँव में था तब मैंने 3 स्पॉट्स घूमे, बंगोर वाटरफॉल, खीर गंगा घाट और बरोड वैली। उनकी लिंक्स ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आई एम ऑल्सो सोशलाइज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फॉलो मी देयर एज वेल वेयर आई पोस्ट रील्स, पिक्स, इंट्रो वीडियोस एक्सेट्रा। यह है दिवेश जिसके पास DSLR कैमरा है, जिसने सबके अच्छे फोटोज निकाले बट सब ने मिलकर उसका एक भी अच्छा फोटो नहीं निकाला। I have only seen greenery from the time I have arrived in Himachal Pradesh, and Manali is an unpolluted place, hence you will get to see crystal clear sky and clouds over there. A single mistake can be life threatening. It's not easy to drive in the mountains because of curvy roads, and many of us were feeling uneasy. We are going to take one stop now. And I'm gonna take time lapse of these beautiful clouds. Here I set my phone for time lapse. ये है वो स्टॉल जहाँ हम रुके, हमने चाय पी, नाश्ता किया, नेचर्स कॉल को आंसर किया, कुछ पिक्चर्स निकाले और अब मैं बस में छोटा नैप लूंगा और मैं आपको सीधे मिलता हूँ मनाली के रोड्स पे। सारे कर्वी रोड्स, माउंटेन्स, घाट्स को पीछे छोड़ते हुए मैं पहुंच चुका हूँ मणिकरण में। यहाँ से मनाली कुछ ही दूर है, यहाँ से आगे का नजारा देखने लायक है। बीच रिवर जो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है वो इस रास्ते के बाजू से गुजरती है। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो ऐसा फील हुआ कि मैंने ऐसे दृश्य किसी हॉलीवुड मूवी में या फॉरेन कंट्री से किसी वीडियो में देखे हो। मनाली खास करके टूरिज्म के लिए जाना जाता है जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ के रोड्स को प्रॉपरली मेंटेन किया है
हमें पूरी जर्नी में कहीं भी उबड़ खाबड़ रोड नहीं मिले। मैं बीर बिलिंग से पहले दिल्ली में था और मनाली के बाद मैं वाराणसी जाऊंगा, तो मैंने इस पूरे जर्नी की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है जो ऊपर आई बटन में डिस्प्ले हो रही है। आप इस वीडियो के बाद जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हो। ये वीडियो देखते देखते एक बार चेक करना कि इस वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन ग्रे कलर का हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो उसे प्रेस करके प्लीज़ ग्रे कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक और बार हमने स्टॉप लिया क्योंकि अब से आगे हमारे होटल तक गाड़ी दिवेश चलाएगा। दिवेश को कोई भी गाड़ी चलाने का शौक है। बीर बिलिंग से लेकर वाराणसी तक उसने टैक्सी रिक्शा से लेकर बोट तक क्या क्या चलाया, ये आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। मनाली में मैंने नंदिनी पैलेस नामक होटल में स्टे किया। नंदिनी पैलेस का जेन्यून फीडबैक ऐसा है कि वहाँ ना एसी है ना फैंस, क्योंकि उनका कहना था कि ये एक ठंडी जगह है। बट कितना भी ठंडा हो, हम मुंबई वालों को फैंस की एक आदत सी है, प्लस उनकी सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं थी। इन चीज़ों को छोड़ मुझे डेली मेरे विंडो से एक ऑसम माउंटेन व्यू देखने मिलता था। आई जस्ट चेक इन इन वन होटल, द होटल नेम इज नंदिनी पैलेस and there is a restaurant nearby my hotel, its name is Indian Flavors. So we ordered food in Indian Flavors restaurant, and by the time the food was arriving, Divesh clicked awesome pictures of us. In this restaurant, everyone was having an option either to sit inside or outside, but almost everyone was choosing to sit outside because of this awesome view. We really clicked awesome pictures and then food arrived. The food was looking so delicious. Then what? Like booked people, we started eating as if we were hungry from last 10 to 20 years. यह है बीज रिवर जो ऊपर इस रेस्टोरेंट से काफी ब्यूटीफुल दिख रही है, एंड यही हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। सो यहाँ से आगे आपको केवल बीज रिवर के बारे में देखने मिलेगा। इंडियन फ्लेवर्स रेस्टोरेंट रोड फेसिंग है और इसके बैक साइड में बीज रिवर है, बट रिवर में उतरने के लिए इस रेस्टोरेंट में से कोई जगह नहीं, इसलिए हम किसी के सजेस्ट किए हुए जगह से उतरने वाले हैं। रिवर में उतरने के लिए हमें कोई प्रॉपर प्लेस नहीं मिला, तो इसलिए हम यहीं से उतर रहे थे, बट जाते वक्त मैं दो बार फिसल कर नीचे गिर गया। मैंने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ के लोगों से और गूगल से इकट्ठा की वो ऐसी है कि बीज रिवर को हिंदी में व्यास नदी कहते हैं। बीज रिवर हिमाचल और पंजाब प्रांतों में बहती है। इसका उगम रोहतांग में के व्यास कुंड से हुआ है, इसलिए इसका नाम व्यास पड़ा है। 470 किलोमीटर की यह नदी पंजाब में सतलज नदी को मिलती है, जो आगे जाके अरेबियन सी को मिलती है। हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि आखिर में बीज रिवर के किनारे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत पर अपने आक्रमण की योजना को छोड़कर जो अपने मायभूमि चला गया था। मनाली के बारे में मैं बचपन से सुनते आ रहा था, आज सच में यहाँ आकर इसकी खासियत मालूम पड़ी। यहाँ के माउंटेन्स की हरियाली, सफेद क्लाउड्स, बहती हवा, नीला आसमान, बीज रिवर और यहाँ के लोग, ये सारी चीजें टूरिस्ट को आकर्षित करती है। सो
So that's it guys about this video. I hope you enjoy the complete journey and the destination point Bizri War. मैं यहाँ कुछ दिन बिताऊंगा और जो पॉसिबल स्पॉट्स मुझे घूमने मिलेंगे उनके वीडियोस बनाकर आपको दिखाऊंगा। आप लोग अपना प्यार बनाए रखना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना और अभी डिस्प्ले हो रहे इन वीडियोज़ को भी देखना। मैं आपको सीधा मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।